शर्ट चाहिए, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तो ये जो इंग्लिश के या हिंदी के सेंटेंसेस हम जो बोलते हैं, अगर हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? कई बार हम बोलते हैं ना पास्ट में, अरे यार मुझे ना एक अच्छा शर्ट चाहिए था, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था पर किसी ने दिया ही नहीं, मास स्टडी भी नहीं था। पता है मेरे पापा को 5,000 रुपये चाहिए थे और मेरे दादाजी को ना पता है एक आम चाहिए था। तो कोई वस्तु हमें चाहिए या कोई वस्तु चाहिए थी तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें। वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक तो यही बोलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए उसकी ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार कोर्स है। कोर्स का नाम क्या है? 60 दिन का इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स YouTube पर बिल्कुल फ्री है दोस्तों, पहली बार YouTube पर 60 डेज का सिस्टमैटिक अप्रोचेबल कोई कोर्स लाया है तो इंडिया में वो लाया है मास्टरडी। एंड यू आर विथ मी, माय नेम इज कमलेश यादव एंड लेट्स बिगिन टुडे सेशन। तो चलिए फटाफट सब लोग आ जाइए, लाइव क्लास है, फेस टू फेस क्लास है। मैं भी देख लेता हूँ कि कितने लोग जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो फटाफट यस बोलिए। यस सर, वी आर गेटिंग योर वॉइस। तो आज हम सीखने वाले हैं वॉन्ट और वॉन्टेड का इस्तेमाल। इसके अलावा आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। लेट्स बिगिन गाइस। तो देखिए आज हमारा डे नंबर 6 है। इन द बिगिनिंग इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग की 5 क्लासेस नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाए, वहां पर बनी है प्लेलिस्ट, वहां पर आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए, फ्री वाले नोट्स चाहिए, यूट्यूब आप जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडेज क्लास फॉर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात हम पढ़ने वाले हैं वॉन्ट और वॉन्टेड, ये होता क्या है? तो देखिए मैं इसको आपको सिस्टमैटिक पढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये वॉन्ट होता क्या है। तो इसको वॉन्ट नहीं पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है वॉन्ट। क्या पढ़ेंगे? वॉन्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉन्ट। ठीक है सर, ये वॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए नॉर्मली वॉन्ट का मीनिंग होता है चाहिए, ये वो वाला चाहिए नहीं है जो हम शुड में पढ़ते हैं। जब हम कोई मॉडल्स पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वॉन्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वॉन्ट। क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज़ फिक्स है कि सर वॉन्ट के चाहिए के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है चाहिए, अब अंग्रेजी में इस शब्द के लिए वी यूज मल्टीपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज वॉन्ट, वी यूज वॉन्ट्स, We use should, we use must, and we sometimes use need. तो basically you can see that there are 5 words for one Hindi word. तो हिंदी में एक word है चाहिए, अंग्रेजी में एक से ज़्यादा वर्ड है चाहिए के लिए। लेकिन हमें कौन सा कहाँ चाहिए लगाना है, ये अगर हम स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमें कौन सा कहाँ चाहिए लगाना है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेट मी चेक कि आप में से कितने लोगों ने फटाफट लाइक कर दिया है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, है ना? तो देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है फटाफट। और क्या बात है, मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोगों ने लाइक कर दिया है और मेरी वॉइस भी प्रॉपरली है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप क्लास ख़त्म होने तक बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि वॉन्ट का मीनिंग होता है चाहिए, और हिंदी में अगर एक चाहिए आए तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस की कंडीशन क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? सेंटेंस की कंडीशन क्या है कि भाई यह यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, क्या यहाँ पर किसी किसी एडवाइस की बात हो रही है, किसी ड्यूटी की बात हो रही है, क्योंकि हर वांट का अलग मीनिंग होता है। तो सर बता दो ना, देखो ये वांट जो होता है ना ये किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। जब भी हम कोई वस्तु की बात करेंगे कि मुझे पानी चाहिए तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर, मुझे मदद चाहिए तो बोलेंगे आई वॉन्ट हेल्प।
मुझे घड़ी चाहिए तो बोलेंगे आई वॉन्ट वॉच। तो ये किसी ऑब्जेक्ट की बात करता है और ये वाला जो वॉन्ट होता है ना, ये आई वी दे यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस वॉन्ट की बात करें तो ये जो होता है ये भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी इच्छा को बताने के लिए यूज किया जाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे कि ही शी इट या किसी नेम के साथ आता है। ये शुड जो होता है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तब हम शुड भी लगाते हैं, लेकिन शुड कब लगाते हैं दोस्तों, जब हम किसी एडवाइस या किसी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए तो यहां पर चाहिए आया तो यहां पर एडवाइस आएगा यू शुड लर्न इंग्लिश। तो ये मॉडल वाला मामला है। तो ये कब आता है, जब हम एडवाइस या फिर हम लोग किसी ड्यूटी की बात करेंगे तब हम लगाएंगे आपका शुड। मस्ट का भी जो होता है यूज हम हिंदी के चाहिए वर्ड के लिए करते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, ये तुम्हारी परम ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो कोई काम करना ही चाहिए इसके लिए, जब कंपल्शन होता है ना, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कंपल्शन में करते हैं, जब कोई कंपल्शन हो या फिर कोई स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो, क्या हो, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो, तब हम वहाँ पर भी जो है किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नीड का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अल्टीमेटली वो तो वॉन्ट ही है ना, तो यहां पर भी इसका मीनिंग भी कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तब वहां पर नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउ आपको क्लियर है कि सर जो होता है चाहिए के जो इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में, चाहिए के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमें जो है वो थोड़ा समझ कर सेंटेंस को पहचान कर वॉन्ट को लगाना होगा। आया ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये एक ओवरव्यू था कि हम वॉन्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। वॉन्ट का मीनिंग क्या होता है सर, अभी तो आपने बताया चाहिए होता है, देखो ये क्या क्या बताता है दोस्तों, तो ये जो वॉन्ट होता है ना ये दो चीज़ों को बताता है। जब हमें हिंदी में कोई ऐसा वाक्य बोलना हो जिसमें हम कोई विश, विश यानी कि इच्छा, विश यानी कि कोई इच्छा बताना चाहते हो, तब हम वॉन्ट को लगा सकते हैं। इसके अलावा वॉन्ट का इस्तेमाल हम करते हैं हमारी कोई नीड यानी कि कोई ज़रूरत हो वहाँ पर भी हम वॉन्ट लगा देते हैं। तो जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जहाँ पर हम हिंदी में ये बोलते हैं कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, ध्यान रखना किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की आवश्यकता होना, इसमें मेन वर्ब का कोई काम नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब वॉन्ट के यूज में आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो वॉन्ट है ना, ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट आपको लगाना है और यहां पर आपको वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स लगाना है। ये वॉन्ट्स कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉन्ट्स लगाना होता है, अदरवाइज हमेशा वॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाता है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये एक बेसिक सा है, इसमें आप वर्ब लगाने की कोशिश मत करना, है ना, खाना पीना जाना ये नहीं आता है, वो वन टू अलग है, वो वन टू मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसे मैंने कहा, क्या कहा सर आपने बताइए जरा, मैंने कहा कि मुझे मुझे पानी चाहिए। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आपको ये देखना है कि चाहिए आया है तो पहले सोचना है, घासी राम की तरह ऐसा नहीं कि बस सेंटेंस बोला जवाब दे दिया आई शुड वाटर। अब भाई आई शुड वाटर कहां से होगा, तो घासीराम बोलता है कि सर आपने बताया है कि शुड का मतलब चाहिए होता है। अरे नहीं भाई, शुड का मतलब चाहिए होता है लेकिन कंडीशन अलग है, शुड तभी आता है जब मेन वर्ब आती है। यहां पर मैंने बोला है मुझे पानी चाहिए, तो हाँ सर ये तो बात है, तो पानी चाहिए तो सर क्या लगाऊं, तो भैया जब कोई वस्तु हमें चाहिए ना तो हमें वॉन्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे पानी चाहिए, तो देखो अंग्रेजी में मुझे को बोलेंगे आई और चाहिए के लिए हम क्या लगा देंगे, वॉन्ट लगा देंगे, तो हमने लगा दिया वॉन्ट और पानी को बोलते हैं वॉटर, क्या बोलते हैं वॉटर। तो इस तरीके से मुझे पानी चाहिए तो मैंने बोला कि आई वॉन्ट वॉटर। उसी प्रकार एक और सेंटेंस हम देखते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा कि
उसे उसे पैसा चाहिए, उसे क्या चाहिए? पैसा, उसे पैसा चाहिए। तो यहां पर देखिए, अब ये उसे ना लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब सिंपल सी बात है कि लड़का होगा तो ही लगाएंगे और लड़की होगी तो शी लगा देंगे। तो यहां पर लड़का मान लेते हैं तो ही, और ही के साथ क्या आ जाएगा? अब यहां पर दो ऑप्शन है, वांट और वांट्स। तो अगर जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तब आपको वांट्स लगाना होता है। तो यहां पर बोलेंगे ही वांट्स, और पैसे को बोलते हैं मनी। क्या बोलते हैं? मनी। तो सेंटेंस बहुत सिंपल है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसको क्या चाहिए। तो पहले ना हम हमें क्या क्या चाहिए वो प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जो सिंगल वॉन्ट होता है ना, इसका मतलब होता है चाहिए, बात ध्यान रखना। और जब वॉन्ट के साथ टू लग जाता है, इस वॉन्ट के साथ टू लग गया, तो इसका मतलब होता है चाहता हूं, है ना? ये ध्यान रखना है। वॉन्ट मतलब होता है चाहिए, और वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूं। तो जब हम इस वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्त, तो वर्ब आती है। जैसे मैं पानी पीना चाहता हूं, बात को समझना, बात को समझना। इन दोनों में डिफरेंस है, एक होता है आपका वॉन्ट और एक होता है वॉन्ट टू, है ना? दोनों में क्या है? डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? तो देखो, बहुत सिंपल डिफरेंस है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चाहिए, और इसका जो अर्थ होता है दैट इज चाहता हूं, ठीक है? तो जब यहां पर जब हम वॉन्ट को बनाते हैं, तो इसके लिए बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। यहां पर लगाएंगे वॉन्ट और यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जबकि अगर आपने वॉन्ट टू बोला, बात को समझना, ये थोड़ा समझ लोगे तो अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी। अगर आपने वॉन्ट टू बोला, ये वॉन्ट के साथ टू लगाया, तो आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा, अब वाक्यों में डिफरेंस देखना। हियर वी हैव अ वन सेंटेंस, मुझे पानी चाहिए। तो यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, और यहां पर जो वॉन्ट टू होता है, इसमें हिंदी का वाक्य कैसा होता है? मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ ना, या हाँ या ना बोलो, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊं, ठीक है? मैं कैसे पढ़ाऊं? जीरो से पढ़ाऊं। देखो, चैटिंग में एक्टिव रहा करो। अगर आप चैटिंग में एक्टिव रहते तो मैं आपके चैट्स पढ़ लेता हूं। भाई आप जवाब दे रहे हैं, मतलब आप जाग रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू दीज टू सेंटेंसेस? तो आप बोलोगे सर यहां पर ना, ये जो सेंटेंस है सर, इसमें सिर्फ पानी चाहिए आपको। आप पानी पियोगे नहीं पियोगे पता नहीं, हो सकता है आप पानी बुलाकर हमारे मुंह पे मार दो और हमें जगा दो, हाँ सर जाग रहे हैं। और यहां पर आपने क्लियर इंटेंशन बताया है कि आप पानी को पीना चाहते हो। तो चाहता हूं, तो इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? तो मुझे पानी चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट वॉटर। और यहां पर देखिए, मैं पानी पीना चाहता हूं, तो आपको वॉन्ट टू लगाना पड़ेगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलो भाई, इतना सिस्टमैटिक, इतना बेसिक से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरे सारे भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि रक्षाबंधन आ गया है, तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन पर एक ऑफ़र हम आपको देने जा रहे हैं। वो ऑफ़र ये है कि रक्षाबंधन 2 दिन तक, इस 2 दिन मतलब 30 और 31 में, इस क्लास के बाद अगर आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो, तो वो 90% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा, यानी कि 90% छूट के साथ। सारे कोर्सेज की प्राइस घटा के बिल्कुल जीरो कर दी है, न के बराबर। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है आज कर लेना, सिर्फ 500 बच्चों को एडमिशन देंगे, उसके बाद वो ऑफर खत्म कर देंगे।
तो बहुत सिंपल है, वांट का मतलब होता है चाहिए और वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जब कोई वस्तु चाहिए तो आप बोलोगे आई वांट चेयर, आई वांट मोबाइल, आई वांट कंप्यूटर, आई वांट योर हेल्प, है ना। और वांट टू बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं पानी पीना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं नाचना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, इस तरीके से आप जो है समझाएंगे। अब वापस आ जाते हैं यहां पर, देखिए तो वांट का इस्तेमाल कब करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वांट का मतलब होता है चाहिए, वांट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई वस्तु की डिमांड करनी हो तब हम वांट लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। नंबर टू, इच्छा या फिर जरूरत बताने के लिए हम वांट वाले वाक्यों में वांट का इस्तेमाल करेंगे। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट आई वी दे यू, इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। और इनके साथ वांट या वांट्स लगाना है। वांट्स कब लगाना है, जब आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो सिंगुलर होंगे। और वांट कब लगाना है, जब सिर्फ आई वी दे यू की बात होगी। और लास्ट में ध्यान रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मुझे पानी चाहिए आई वांट वाटर, उसे पैसा चाहिए ही वांट्स मनी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मेरा तो एक ही तरीका है भैया, मैं बहुत यूनिक तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूँ। रट्टा मरवाने वाला काम अपने पास नहीं है दोस्त, है ना। हम पढ़ाते हैं सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं कि एक साथ मैंने सारा टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जो भाई बहन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो क्लासेस देख रहे हैं, उनको धीरे धीरे पढ़ाओ। जल्दीबाजी है तो स्पीड बढ़ा के देख ही लेना आप। अब यहां पर देखो दोस्त, आपको इतना समझ में आ गया कि वांट का मतलब होता है चाहिए। अब यहां पर ना हम ऑब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। देखिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर मुझे चाय चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टी। मुझे खाना चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट फूड। आपने कहा कि मुझे ना मदद चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट हेल्प। मुझे तुम्हारी पेन चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट यूअर पेन, है ना। मुझे इंग्लिश का ज्ञान चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट इंग्लिश नॉलेज। तो है ना, कितना आसान है। इंग्लिश को हम ना खामखा कठिन समझ लेते हैं, पर इंग्लिश तो बहुत ही आसान हो गई, है ना। अब आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे कॉमेंट में बताओ। जैसे मुझे तो है ना प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर चेयर्स। मुझे नहीं चाहिए, है ना, पर कुछ लोगों को चाहिए, ठीक है। मुझे ना कंप्यूटर चाहिए, आई वॉन्ट कंप्यूटर। मुझे आईफोन चाहिए, आई वॉन्ट आईफोन। मुझे ना सफलता चाहिए, आई वॉन्ट सक्सेस। बोलते कि नहीं बोलते हैं। मुझे ना पता है, मुझे शिमला में एक घर चाहिए, आई वॉन्ट अ हाउस इन शिमला, है ना। मुझे ना मनाली में ना एक होटल चाहिए, आई वॉन्ट अ होटल इन मनाली। तो आपको जो जो भी चाहिए दोस्तों, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट राइट इन दिस वे। एक पेज और पेपर लीजिए। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करने के तरीके भी बताता हूँ। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है जब तक आप खुद की मदद ना करें। किसी ने एक कहावत कही है ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। एक पेन और पेपर उठाना और आप ना ऐसे आई वॉन्ट फिक्स कर लेना। आई वॉन्ट का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूं। अब मैं क्या क्या चाहता हूं, मुझे कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, तो उन सभी वस्तुओं को आप ऑब्जेक्ट के नाम लिखते चले जाना। और बार बार बोलोगे, अब आप ऑफिस में बैठे आपको प्यास लगी तो अचानक से मुंह से इंग्लिश निकलेगी, पानी लाना, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट वाटर। अब आप एक सेंटेंस बोलते हो, कोई चाय लाओ रे, तो चाय लाओ रे, तो आंसर क्या आएगा, तेरे बाप ने होटल कॉल रखी है के, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी। तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना बोलो। अब मजे की बात यह है कि हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है, है ना। हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है दोस्त, अब हमें यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो टंग के साथ सेट है। अब हमने आई वॉन्ट बोला ना, तो आप यहां पर ही या शी ले लेंगे कि वह क्या क्या चाहता है। अब आपको पता है कि यार ही के साथ तो वॉन्ट्स आता है भाई, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, ही के साथ तो वॉन्ट आता है। देखिए हमारा जो, मैं आपको फिर बता दूं, जो लेट आए हैं, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, सारे कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट है, 90%। जाइए और जितने भी कोर्स खरीदना है 50-50, 100-100 रुपए में मिल रहे हैं, ले लो। और उसमें लाइव क्लासेस भी मिलेगी। ये ऑफर 2 दिन तक रहेगा और ये सिर्फ ऑफर 500 बच्चों के लिए है। और 500 बच्चे अगर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग ऑफर की प्राइस बढ़ा देंगे, ध्यान रखना। तो अब ही वॉन्ट्स, अब उसे क्या क्या चाहिए, तो सर उसे ना नए कपड़े चाहिए, तो नए कपड़े को क्या बोलेंगे, न्यू क्लोथ्स।
आपने कहा कि उसे ना उसे तो किताबें चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स बुक्स। और क्या चाहिए उसे? सर उसे ना उसे मोबाइल चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स मोबाइल। अब मैं एक बात आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखो ना तो उसे बड़ा करने की कोशिश करो, डोंट यूज सिंपल सेंटेंसेस। एक लिमिट तक, एक समय तक तो आपको सिंपल सेंटेंसेस अंग्रेजी के बोलना है, पर धीरे धीरे आपको सेंटेंसेस को बढ़ाना है। सर सेंटेंसेस को बढ़ाते कैसे हैं? प्रेपोजिशन लगा के दोस्त, प्रेपोजिशन लगा के। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर कि ही वॉन्ट्स, उसे क्या चाहिए? तो उसे चाहिए इंग्लिश का नॉलेज, है ना? तो आपने लिखा यहाँ पे ही वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज। अब आप इस सेंटेंस को बड़ा करेंगे, इंग्लिश नॉलेज चाहिए किससे चाहिए? तो फ्रॉम यू। क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स इंग्लिश नॉलेज फ्रॉम यू। कब चाहिए? तो बोलोगे शाम को, तो आप बोलोगे इन द इवनिंग। क्या बोलेंगे? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दो प्रीपोजिशन लगा के वाक्य बढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है कितना बड़ा है। मैंने यहां पे फ्रॉम लगाया, मैंने यहां पे इन लगाया और मैंने वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। आप एक सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रेच करके आप इस तरीके से लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं, विच विल हेल्प यू अलॉट। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, हाउ टू यूज वॉन्ट इन आवर डेली रूटीन। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाए हैं। वॉन्ट कहाँ लगाना है? तो वॉन्ट लगाने के लिए आपको वॉन्ट लगाना है आई, वी, यू और दे, और वॉन्ट्स लगाना है ही, शी, इट और नेम। सर हमें ना ये नोट्स चाहिए, हमें मिल जाएंगे क्या? बेटा टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कल की क्लास का नोट्स मैंने आज मॉर्निंग में डाला। मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यही बार क्या होता है, क्लास खत्म होती है, कल लाइट चली गई थी तो वो मैं टेलीग्राम पर नहीं डाल पाया सिस्टम से नोट्स, इसलिए आज सुबह डाले कल की क्लास वाले। आज हमारा डे 6 है तो इसके नोट्स मैं क्लास खत्म होते ही मैं डाल दूंगा। तो आप जरूर से जो है वो नोट्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया वॉन्ट और ये हो गया वॉन्ट्स। ये इस तरीके के यहाँ पर मैंने नोट्स के माध्यम से देखो बहुत डिटेल में समझाया है। ये जो PDF बनाई है ना, ये मैंने पूरे डिटेल में समझाया है, इसलिए आराम से इसको आप लिख के घर जाके नोट्स बना सकते हैं। अभी हम सीधा आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको इन 4 क्वेश्चंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना है। मैं भी तो देखूँ कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। जितेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे OET की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश सिखानी है। तो भैया हमारा ग्रामर चैनल है, आप सबको पता है कि हमारा इंग्लिश का एक ग्रामर चैनल है, उसका नाम है मास इंग्लिश ग्रामर। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर आ जाएगा, है ना? चैनल का नाम क्या है? मास, अभी सर्च करके देख लो, मास इंग्लिश ग्रामर। इस चैनल पर हम सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल पर चले जाएं, है ना, आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सारे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है किसी भी, सारा ग्रामर का पूरा कंप्लीट वहाँ पर सिलेबस है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब निकालते हैं। तैयार हैं आप लोग? हाँ सर तैयार है। उसे पुरानी स्कूटी चाहिए। चलिए पहला सेंटेंस है, देखो लड़की है तो शी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे, हमने शी लगा दिया। और शी के साथ क्या आता है? वॉन्ट्स आता है, शी वॉन्ट्स, और पुरानी को बोलते ओल्ड, और स्कूटी को तो स्कूटी बोलेंगे, तो शी वॉन्ट ओल्ड स्कूटी। अगला सेंटेंस देखो, उसे उसका बचपन चाहिए। अब मान लो लड़का है तो ही, और ही के साथ आ जाएगा वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स। अब उसका, तो जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के हिसाब से उसका काम में देता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही का उसका होता है हिज, तो ही वॉन्ट्स हिज चाइल्डहुड, उसे उसका बचपन चाहिए, ही वॉन्ट्स हिज चाइल्डहुड। ठीक है, उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो लड़का है तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स अ डे लीव। क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स अ डे लीव, उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना। आप किस छुट्टी मांगते हो? सर ना मुझे एक घंटे के, मुझे एक घंटे की छुट्टी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट लीव फॉर 1 आवर, मतलब मैं एक मिनट, एक घंटे के लिए छोड़ना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट 1 आवर ब्रेक।
उसे घड़ी नहीं चाहिए। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम डू या डज लगाते हैं, तो यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम डज नॉट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ही डज नॉट वॉन्ट, ही डज नॉट वॉन्ट वॉच। अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव में डू डज कहाँ से आ गया, तो दोस्तों ये कंसेप्ट है कि जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे इस वॉन्ट के साथ तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ सिंपली चाहिए तो स्ट्रक्चर क्या आता है, हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वॉन्ट लगाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये तो सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया दोस्त। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बोलना है कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, इस सिचुएशन में हम यहां पर वॉन्ट के बाद नॉट नहीं लगा सकते। यहां क्यों नॉट नहीं लगा सकते इसके बाद, क्योंकि वॉन्ट एक मेन वर्ब भी है और मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता। तो सर यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर आपको डू डज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहां पर आप लगा देंगे डू और डज और फिर नॉट लगा देंगे। सर डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है, अरे घासिया डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है, पहले ही बता चुका हूं कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो डू लगाना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाना। सर वॉन्ट कहां जाएगा फिर, भैया वॉन्ट वैसा का वैसा रहेगा, खाली आपको ना आपको सिर्फ डू या डज लगाना है इस नॉट के लिए, इतनी सी बात है। सर एग्जाम्पल करके दिखाओ, समझ में ऐसे नहीं आता है, बोलने से क्या होता है, वो तो कोई भी बोल देगा, समझा के दिखाओ, तो समझा के दिखा देता हूं दोस्त। देखो एक वाक्य यहां पर है, मुझे मुझे पेन चाहिए, अब ये जो है या मुझे पैसा चाहिए, क्या चाहिए, अब ये एक सिंपल वाक्य है कि मुझे पैसा चाहिए, तो दोस्त जब इसे बनाओगे ना तो आप ये वाक्य सिंपल बना, तो आपने कहा आई वॉन्ट मनी। ठीक है, अब आपने एक सेंटेंस और बोलना है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपको बाद में एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया। अब आप बताओ आपको पैसा नहीं चाहिए, अच्छी बात है मत लो पैसा, मेरे पास दे देना, है ना, तो आई वो, अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा नॉट, तो आई के साथ आता है डू नॉट, क्या आता है डू नॉट, तो आई डू नॉट वॉन्ट मनी, डू नॉट को डोंट भी पढ़ सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट मनी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई, अभी तक भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया, बड़े निराश करते हो यार, ऐसे डिसअपॉइंट मत किया करो, लाइक कर दिया करो और पांच लोगों को शेयर करो, पांच व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो जाना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंग्लिश सीख पाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि भाई यहां पर हमने क्या किया कि वॉन्ट समझा। अब एक और बात जो आपको समझनी है वो ये है कि दोस्तों इस वॉन्ट को ना, इस वॉन्ट को अमेरिका में कुछ शॉर्ट फॉर्म में वाना भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, वाना, हमारी निमाड़ी भाषा में जो वाना होता है उसका मतलब होता है किसी शादी को दूल्हे में दिया गया लिफाफा, वाना डालना है ना, वाना डालते हैं, लेकिन यहाँ पर वाना मतलब होता है ना मुझे तुम चाहिए, आई वाना यू, एक गाना है ना अरिजीत सिंह का, तू है तो मुझे फिर मुझको क्या, ऐसा कुछ गाना है, मुझे तो नहीं आता है, तू है तो मुझे, तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग काफ़ी सुनते रहते होंगे तो ध्यान रखना। चलिए समझ में आ गया यहां तक, तो ये नेगेटिव सेंटेंस था, वापस आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये सेंटेंस बना के दिखाओ तो भाई, जरा फटाफट बनाइए, प्रैक्टिस करोगे तो भला आपका ही होना है, कंसेप्ट तो, कंसेप्ट के वीडियोस तो बहुत सारे हैं, तू है मुझे फिर और क्या चाहिए, नहीं यार सही सही लिरिक्स बताओ। चलिए अब ये सेंटेंस बना के दिखाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद अदद नहीं चाहिए, तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, तो देखो मुझे को बोलेंगे आई और यहां लगा देंगे डोंट, आई डोंट वॉन्ट योर मदद यानी कि हेल्प, मुझे जवाब नहीं चाहिए तो कैसे बोलेंगे, बनाओ मेरे साथ, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट आंसर, जवाब को क्या बोलते हैं, आंसर,
जब रोज ऐसे आप इंग्लिश को एक घंटे की क्लास मेरी अटेंड करोगे ना अगले 7-8 दिन तक, तो बहुत मजा आएगा। तो मुझे जवाब नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट आंसर। अगली सेंटेंस देखो, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। नौकरी को जॉब बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। ये सेंटेंस बना के दिखाओ। क्या तुम्हें लंबे बाल चाहिए? है ना, जो लॉन्ग हेयर होते हैं उन्हें लंबे बाल बोलते हैं। तो ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बना के दिखाओ। और जो नए आए हैं लाइक करिए फटाफट। चलिए लाइक करो फटाफट। क्या तुम्हें लंबे बाल चाहिए कैसे बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए तो यहां पर ना ऐसे लगाना पड़ेगा, डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर, क्या बोलेंगे? डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर। इस तरीके से ध्यान रखना, बाल का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। एक हेयर होगा, एक बाल होगा तो भी हेयर बोलना है, और एक से ज्यादा बाल होंगे तब भी आपको हेयर ही बोलना है। दूसरा, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एक सफेद बाल होता है तो बच्चे उसे बोलते हैं वाइट बाल, वाइट हेयर। सफेद बाल को वाइट बाल नहीं बोलते भैया, सफेद बाल को ग्रे हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे हेयर। ध्यान रखना, व्हाइट बाल बाल नहीं होते, ये व्हाइट कलर, क्योंकि बालों के लिए कभी व्हाइट होता ही नहीं, ग्रे हो जाते हैं हमारे बाल। ध्यान रखना, ये नया सीखने को मिला ना आपको, तो कुछ नया मिला हो तो लाइक करिए इस बात पर कि बाल जो व्हाइट बाल होते हैं, कुछ लोग बोलते मेरे बाल व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट नहीं हो रहे बेटा, ग्रे हो रहे हैं, क्योंकि बालों के लिए व्हाइट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आया ना बोलो भाई, आया ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक लड़का लिख रहा है, गर्ल्स वॉन्ट बॉयफ्रेंड। अरे वाह रे घासिया, लड़कियों को बॉयफ्रेंड चाहिए तो लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? क्यों बात उछाल रहा है, हैं? समझा कर, आराम से लिख रहा है चैट में, गर्ल्स वॉन्ट बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो बॉयफ्रेंड डज नॉट वॉन्ट गर्ल्स? अरे पढ़ लो रे, मर जाओगे, है ना, घासी राम बनोगे तुम बाद में, फिर बोलोगे सर जिंदगी खराब हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए, क्या उसे घर चाहिए? अब यहां पर भी देखिए, क्या उसे घर चाहिए, है ना, क्या उसे घर चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? क्या उसे घर चाहिए कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे, देखो डज लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि उसे को तो हम ही बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर डज ही वॉन्ट होम। क्या उसे नई स्वेटर चाहिए? ये सेंटेंस आप बनाओगे, बस सेम टू सेम है, केवल आपको स्वेटर लिख देना है। बनाइए सेंटेंस। कम ऑन गाइस, जस्ट राइट सम सेंटेंसेस इन द चैट। मैं तो देखूं कि आपको कितना आता है, बिना चेक किए आप मत जाइए घर। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर सही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो दोस्त, बहुत बढ़िया। क्या उसे नई स्वेटर चाहिए कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? डज ही वॉन्ट न्यू स्वेटर। ठीक है, अब बाकी के सेंटेंसेस आपको खुद को करने हैं, ये मैं सीट में आपको दे दूंगा। अभी हम वॉन्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो ये वॉन्टेड को पढ़ते बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम ले चलते हैं, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में। चलना है तारों के शहर में? तारों के शहर में जाओगे, अरे चिपक के करंट लग जाएगा, मर जाओगे, है ना। वॉन्टेड टू का मतलब था चाहिए था। दोस्तों पास्ट में जो हमारी विश कंप्लीट नहीं हो पाती है उनके लिए हम वॉन्टेड लगाते हैं, वॉन्टेड टू नहीं, वॉन्टेड लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, अरे यार मुझे ना पता है, मुझे तो कार चाहिए थी पर पैसे नहीं थे इसलिए साइकिल से जा रहा हूं आजकल। हम बोलते हैं, अच्छा एक बोल रहा है कि सर ले चलो तारों के शहर में, अरे सुधर जाओ यार, तुम तारों के शहर में जाओगे चिपक के मर जाओगे, करंट। तारों का शहर पता है कौन सा है? वो जहां पर पावर हाउस बना होता है ना, जहां पर डीपी लगी होती बहुत बड़ी, जहां से पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम करता है, वहां जाने की बात कर रहे हैं। तारों के शहर में ले चलो, वहां जाके धक्का दे देंगे
सुधर जाओ। चलिए आगे, हम चांद पे पहुंच गए, तारों के शहर में जाके क्या करेंगे, हम तो चांद पे पहुंच गए इंडिया वाले। तो वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। ये क्या करता है, हमारी ऐसी डिजायर को बताता है जो कंप्लीट नहीं हुई। आपकी ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होंगी जो कंप्लीट नहीं हुई, आपको कोई ना कोई चाहिए होगा जो आप आपको मिल नहीं पाया। तो आपको क्या क्या चाहिए था वो आपको अगर अंग्रेजी में बोल के दिखाना हो तो वहां पर आपको वांटेड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वांटेड लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारी पास्ट की डिजायर को बताता है। क्या बताता है, पास्ट की डिजायर को बताता है, अनफुलफिल विश को बताता है। डिजायर बोल लो या विश बोल लो, एक ही बात है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस पैटर्न का ध्यान रखना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वांटेड लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ वांटेड ही लगाना है। जिससे आपने कहा कि मुझे तो कार चाहिए थी, अब सपने तो बड़े बड़े होते हैं, मुझे कार चाहिए थी, तो आप देखिए यहां पर बहुत सिंपल है। जैसे ही आपने पढ़ा चाहिए थी तो आपका दिमाग चला, आप दिमाग चला अगर आपका, तो बोलो कि सर वांट के लिए तो चाहिए के लिए तो वांट लगा, लेकिन चाहिए था आ गया तो मुझे वांटेड लगाना है। तो यहां पर बोलेंगे आई, और चाहिए थे के लिए लगा देंगे वांटेड, और कार को बोलेंगे अ कार। तो आई वांटेड अ कार, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई वांटेड अ कार। आपने कहा कि हमें, आपने क्या बोला कि हमें हथियार चाहिए थे, हमें हथियार चाहिए थे। अब इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हमें हथियार चाहिए थे, तो हथियार को क्या बोलेंगे जरा बना के दिखाओ, तो हमें को बोलेंगे वी वांटेड वेपन्स। हथियार को बोलते हैं वेपन्स, क्या बोलते हैं हथियार को, वेपन्स बोलते हैं। तो हमें हथियार चाहिए थे तो क्या बोलेंगे, वी वांटेड वेपन्स। अब इसमें सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए, है ना, सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए, आपको वांटेड ही लगाना है। क्या लगाना है, यू हैव टू यूज वांटेड ओनली। अब हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए थी, तो हम सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो चलो भाई ले चलें आपको तारों के शहर में। अरे प्रैक्टिस के शहर में दोस्तों, प्रैक्टिस के शहर में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है वांटेड, कि आपको क्या क्या चाहिए था, क्योंकि वांटेड का मतलब होता है चाहिए। अब आपको क्या क्या चाहिए था, आपको दिमाग लगाना है। सर दिमाग होता तो फिर यहां थोड़ी रहते, अमेरिका अमेरिका में रहते हैं, क्यों भाई अमेरिका में क्यों रहते हैं, इंडिया में किस बात की कमी है। ये ना, ये दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा कि टैलेंटेड होते तो विदेश में रहते। अरे अब तो विदेशी भी इंडिया आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा विदेश जाके वहाँ जाके पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बनाएं कि विदेश के लोग हमारे इंडिया में आके यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त करें। और वो यहाँ आएंगे तो उन्हें हिंदी तो आएगी नहीं, तो हम इंग्लिश बोलकर उन्हें हिंदी सिखाएंगे, लेकिन इंग्लिश आना तब भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश हम सीख रहे हैं कि हम वहाँ जाके इंग्लिश बोलेंगे। नो, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश टू गो अब्रॉड, वी आर लर्निंग इंग्लिश कि अगर अब्रॉड के लोग, अगर बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं तो हम उनकी भाषा बोलकर उन्हें प्रसन्न कर देंगे। और अगर आपने उनसे इंग्लिश में बात कर ली उनकी भाषा में, तो घर के गोबर के कंडे खिलाओगे वो भी खा लेंगे, प्रेम में आदमी बिक जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए था। तो भाई आपने कहा कि सर हमको तो ना आईफोन चाहिए था, तो ठीक है भैया अभी तो नहीं है, मेहनत करोगे तो आईफोन भी मिल जाएगा। और क्या चाहिए था, सर मुझे ना साइकिल चाहिए थी, ठीक है भाई साइकिल चाहिए थी तो लिख दो आई वॉन्टेड साइकिल। और क्या चाहिए था, सर मुझे ना कंप्यूटर चाहिए था, ठीक है भाई कंप्यूटर चाहिए थी, कंप्यूटर चाहिए था तो लिख दो। और क्या चाहिए था, सर मुझे ना मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो एक हाथी चाहिए था, बड़ा हाथी, तो आई वॉन्टेड एन एलिफेंट, क्या बोलेंगे आई वॉन्टेड एन एलिफेंट। और क्या चाहिए था, सर मुझे एक गाय चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ काऊ,
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो जो आपको चाहिए था वो आप इस तरीके से आंखें बंद करके 20 से 25 सेंटेंस बनाएंगे। मुझे पानी चाहिए था, आई वॉन्टेड वाटर। मुझे खाना चाहिए था, आई वॉन्टेड फूड। आंखें बंद करके बनाओगे तो आपका फोकस आपके सेंटेंस पर रहेगा। देख कर सुनने से ज्यादा अच्छा है सुनना केवल, और उस समय आंखें बंद रहे तो हमारा 100% ध्यान सिर्फ शब्दों पर होता है। आप इमेजिन करिए कि अगर आंखें नहीं हो तो हम सुनकर ही चीजों को महसूस करेंगे ना, सुनकर ही करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा जल्दी सीखे तो आप आंखें बंद करके सुनिए उसे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड देन यू विल स्पीक वन सेंटेंस इन हिंदी, वन सेंटेंस इन इंग्लिश। मुझे खाना चाहिए था, आई वॉन्टेड फूड। मुझे ज्ञान चाहिए था, आई वॉन्टेड नॉलेज। हमें नया घर चाहिए था, वी वॉन्टेड न्यू हाउस। उन्हें कुछ कुत्ते चाहिए थे, दे वॉन्टेड सम डॉग्स। मुझे तो एक गाय चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ काउ। मुझे आज़ादी चाहिए थी, आई वॉन्टेड फ्रीडम। इस तरीके से आप आँख बंद करके सेंटेंसेस बनाओगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो भाई। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, विच मेक्स यू कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। तो सरल भाषा में इंग्लिश सीखना है तो ये बेस्ट तरीका है। फटाफट लाइक कर दीजिए और 5 दोस्तों को शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 यूट्यूब चैनल और है मेरे, जहां पर एक है इंग्लिश ग्रामर का और एक है मेरा कमलेश यादव ऑफिशियल, जहां पर मैं अपने व्लॉग्स शूट करता हूं, अपने डेली लाइफ के बारे में बताता हूं और मोटिवेशनल वीडियोज डालता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए आगे बढ़ जाते, अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो चलिए आपको प्रैक्टिस की ओर ले चलते हैं। चलिए भैया, खतरनाक सेंटेंस आ गया पहला, उसे तलाक चाहिए था, है ना। क्या चाहिए था? तलाक चाहिए था। चलो बोलो फटाफट, तलाक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लिखो यहां पर। चलिए, कम ऑन गाइस, फटाफट आंसर लिखिए। उसे तलाक चाहिए था, कैसे बोलोगे बताओ। अरे तलाक चाहिए क्या तुमको? चलिए, सभी के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही गए। तो बोलेंगे ही वॉन्टेड डाइवोर्स। क्या बोलेंगे? ही वॉन्टेड डाइवोर्स। रीना को नई साइकिल चाहिए थी, कैसे बोलेंगे? रीना वॉन्टेड न्यू साइकिल। मजदूरों को पैसा चाहिए था, कैसे बोलेंगे? मजदूर को क्या बोलते हैं? वर्कर्स बोलेंगे और क्या बोलेंगे? काम करने वाले, पीजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो वर्कर्स वॉन्टेड मनी। बहुत आसान है यार, ये सिंपल सिंपल चीजें ली है मैंने, है ना। मुझे एक बोतल पानी चाहिए था। अच्छा, पानी चाहिए था बोतल की, कुछ और बोतल चाहिए थी? मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? बोलो बोलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, तो मुझे एक बोतल पानी चाहिए था, आई वॉन्टेड अ वॉटर बोटल। क्या बोलेंगे? आई वॉन्टेड अ वॉटर बोटल। तो देखिए, 4 सेंटेंस हमने लिखे और आपके चारों में से चारों सही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 4 सेंटेंस और करके दिखाइए आप, फटाफट चैट में बताइए, या चैट नहीं कर सकते हो तो मन में बोल कर देखिए, फटाफट मन में बोल कर देखिए, मजा आएगा। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, देखने से नहीं आती इंग्लिश। इंग्लिश को मुंह हिलाकर, जबान हिलाकर बोलना पड़ता है दोस्त। चलिए फटाफट बताइए, उसे चटाई चाहिए थी। चटाई का मतलब होता है मेट, ठीक है। तो उसे चटाई चाहिए थी, कैसे बोलेंगे? ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड अ मेट। वैसे मेट से ना मुझे एक बात याद आई, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, है ना, मेरी क्लास में स्टूडेंट था, उसको मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि वो हर बार गलती करें कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग तो सर आ ही नहीं रही, हमें क्या करें। तो मैंने कहा मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से ना आप मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद कर सकते हैं।
जानना चाहते हो ट्रिक क्या है? देखो, जो भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है ना, उसको ट्रिक से याद करो। तो देखो, अभी हम याद करते हैं, मैंने कहा कि एक आदमी था, तो मैंने कहा भाई उस आदमी को क्या बोलते हैं बताओ, तो आदमी को बोलते हैं ही। देखो मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। एक आदमी था तो उस आदमी को बोलते हैं ही, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब वो आदमी था ना, वो बहुत पढ़ाकू था, वो क्या था, बहुत पढ़ाकू था, बहुत पढ़ता था। तो जो पढ़ाई करता है तो वो कहीं बैठ के पढ़ाई करता है, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा तुम पढ़ते हो तो कहाँ पे बैठते हो, बोले सर मैं चटाई पे बैठता हूँ। तो मैंने कहा चटाई को क्या बोलते हो, मेट। मैंने कहा ये जो आदमी था ना, ये जो पढ़ता था तो इतना भयंकर पढ़ाई करता था कि अपने आगे भी मैट लगाता था, पीछे भी मैट लगाता था। मतलब ये जो आदमी था ना, अपने आगे भी चटाई बिछाता था, चटाई यानी मैट। अरे चटाई यानी क्या होता है भाई, चटाई यानी मैट होता है। तो ये अपने आगे भी मैट लगाता था और अपने पीछे भी मैट लगाता था। तो लड़के ने पूछा कि सर वो ऐसी पढ़ाई कहाँ की कर रहा था, वैसी कौन सी पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा भैया वो ICS की तैयारी कर रहा था, ICS, पहले IAS के पहले ICS होती थी, है ना, तो वो ICS की तैयारी कर रहा था। बोले अच्छा। तो मैंने कहा हाँ भाई देख, एक आदमी था, उसने अपने आगे भी मैट बिछाई, पीछे भी मैट है, चटाई होती है, और वो इतनी चटाई पे बैठ के इतनी पढ़ाई करता था कि वो ICS की तैयारी कर रहा था। देखो जरा बोर्ड पे क्या बन गया, क्या लिखा है भैया, देखो जरा, बताओ बताओ, मैथमेटिक्स, क्या बना। तो मैंने इस तरीके से इस बच्चे को मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सिखा दी, है ना। अरे मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, लाइक कर दो इस बात पर। बहुत सिंपल तरीका है मैथ्स की, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें। ये आप भी बता सकते हो, किसी को पूछो कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आती है, नहीं आती तो मैं बताता हूँ। बोलना एक ही आदमी था, उसने अपने आगे भी मैट बिछाई, उसने अपने पीछे भी मैट बिछाई, और वो ICS की तैयारी कर रहा था। ये हो गया मैथमेटिक्स, आसान है ना। देखो क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को स्पेलिंग याद करवाने का यही तरीका होता है। चलिए, उसे एक कप कॉफी चाहिए थी, तो कैसे बोलेंगे, ही वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो उसे एक कप कॉफी चाहिए थी तो बोलेंगे ही वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफी। उसे रात का खाना नहीं चाहिए था, कैसे बोलेंगे, नहीं चाहिए था। भैया ये नहीं आने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब जब भी नहीं आएगा ना पास्ट में, तो नहीं की जगह पर हम लगाएंगे डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। और जब डिड नॉट आ जाएगा ना, तो फिर पास्ट में डिड नॉट के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हम लगाएंगे वॉन्ट। डिड नॉट वॉन्टेड मत कर देना, डिड नॉट वॉन्ट करना है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां देखिए क्या लिखा है, उसे रात का खाना नहीं चाहिए था, कैसे बनाएंगे। तो देखो, ही डिड नॉट वॉन्ट डिनर, डिनर बोल दो या सपर बोल दो, एक ही बात है, सपर भी रात का खाना होता है, डिनर भी होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वॉन्ट क्यों लगाया, सर ये तो सेंटेंस तो पास्ट में, आपने वॉन्ट क्यों लगा दिया, ये तो पास्ट है ना। तो बेटा डिड नॉट लगाया है ना, तो डिड नॉट पास्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, डिड नॉट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, बिकॉज एक सेंटेंस में दो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है, और डिड खुद मेन वर्ब की एक सेकेंड फॉर्म है, डू का डिड होता है। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए था, है ना। आप देखो ये जो क्या है ना, ये वाक्य के बीच में आ गया है, अगर ये बीच में आ जाएगा तो फिर हमें वॉन्ट लगाना पड़ेगा, तो वॉट डिड लगाना पड़ेगा, वॉट डिड यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते थे, है ना, तुम्हें क्या चाहिए था, तो वॉट डिड यू वॉन्ट। ध्यान रखना है डू मत लगा देना, क्योंकि पास्ट है ना तो डिड लगेगा, वॉट डिड यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए था, इस तरीके से बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, नाइन्थ वाला देखिए फटाफट, थोड़ा जल्दी करिए, ये चार सेंटेंस मुझे आप इंग्लिश में बना के दिखाइए। ये चार सेंटेंस बताइए, कम ऑन गाइस, फटाफट लाइक कर दीजिए। जो नए आए हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टू देम, प्लीज आप
क्लास को स्टार्टिंग से देखना, और जिनकी पहले की 5 क्लासेस छूट गई है तो स्टार्टिंग से देखना, डे 1 से लगाकर डे 5 तक की क्लासेस कंप्लीट हो गई है। और अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, कल से सारी नई बैच स्टार्ट हो रही है हमारी, तो कल से नई बैच शुरू हो रही है। आपको कोई बैच ज्वाइन करनी हो, बेसिक वाली, एडवांस वाली, पर्सनल क्लासेस वाली, तो ऑफर प्राइस में आपको बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं। आप मास्टरडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जरूर ऐप पर जाएं, ट्राई करें उसमें क्या क्या आपको मिलता है। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी? क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी? चलिए, क्लास कब तक होगी सर? क्लास रोज 1 घंटा होती, 1 आवर, ठीक है। और 60 दिन का कोर्स है, YouTube पर फ्री है, और आपको मैं वीक में 4 क्लासेस दूंगा, लेकिन इस बार शायद बुधवार को यानी कि वेंसडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन है, तो देखते हैं अगर फ्री रहा तो ले लूंगा। तो क्या चिंटू को आइसक्रीम चाहिए थी? तो कैसे बोलेंगे, डिड चिंटू वॉन्ट आइसक्रीम? कैसे बोलेंगे, डिड चिंटू वॉन्ट आइसक्रीम? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे मास स्टडी के वीडियो चाहिए थे, तो सिंपल सेंटेंस है तो बनाएंगे आई वॉन्टेड वीडियोज ऑफ मास स्टडी। क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड वीडियोज ऑफ मास स्टडी। क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड वीडियोज ऑफ मास स्टडी। उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए था। बहुत आसान है, आपने मुझसे पहले बना लिया है। दे वॉन्टेड इंग्लिश नॉलेज। उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, दे वॉन्टेड इंग्लिश नॉलेज। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्टेड नथिंग फ्रॉम यू। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, या आई वॉन्टेड नथिंग फ्रॉम यू। चलिए, मजा आया दोस्तों? कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर कंसेप्ट है। चलिए ये वाला, अब यहां पर कुछ प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करते हैं। पहला है, भारत को ईमानदार नेता चाहिए। क्या बात है ना, भारत को ईमानदार नेता चाहिए। कैसे बनाओगे ये सेंटेंस, बनाइए। और मुझे सुविधा चाहिए, ये 2 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए। बताओ बताओ भैया, भारत को ईमानदार नेता चाहिए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड, काफी लोग मेहनत कर रहे हैं चैट में, गुड जॉब। देखो, इंडिया वांट ऑनेस्ट लीडर है ना, तो भारत को बोलेंगे इंडिया वांट ऑनेस्ट लीडर। मुझे सुविधा चाहिए, मुझे को बोलेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है, ओ ध्यान रखना, पास्ट नहीं है, वांटेड नहीं, मत लगा देना। अब हम खत्म हो गया है पूरा कोर्स, अभी आज का टॉपिक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई वांट फैसिलिटी। क्या बोलेंगे, आई वांट फैसिलिटी। मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट वांट योर हेल्प। साथ आने मदद को बोल सकते हैं, या आई डोंट वांट यू ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, या आई डोंट वांट योर कंपनी, आई डोंट वांट योर कंपनी, साथ को बोलते हैं कंपनी, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट है, पूरे 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप मास स्टडी ऐप पर जाकर वहां पर 60 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना, है ना। वहाँ पर मैं रोज़ इस क्लास को अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर नोट्स भी रहते हैं, वहाँ पर PPTs भी रहते हैं, प्रैक्टिस शीट भी रहती है, आंसर्स भी रहता है, तो सारा सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस,
राखी का हमारा ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त? ऑफर, कौन सा ऑफर? मैं दिखा देता हूं, ठीक है? तो राखी का ऑफर चल रहा है, देखते हैं। ये देखिए, रक्षाबंधन पर डिस्काउंट चल रहा है, 90% डिस्काउंट है सारे कोर्सेज पर। तो आप जरूर मास्टरी पर विजिट करें, एक बार ऐप पर जाइए। ऐप पर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप। और एक बार कॉल करिए, अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर ना मुझे काउंसलिंग करवानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बेसिक वाला कोर्स ज्वाइन करूँ कि एडवांस वाला करूँ, तो आप हमारे साथ काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। बुक योर काउंसलिंग सेशन, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आपका लेवल क्या है आपको बताएंगे, और उसके हिसाब से आपको कोर्स के बारे में सेस करेंगे, ठीक है? तो ये राखी का ऑफर है, इसका डिटेल वीडियो कल आ जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई सा कोर्स ज्वाइन करना है, ग्रामर कोर्स है भैया ये मेरा। एक बच्चा बोल रहा था कि सर ग्रामर पढ़ना है, एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ, एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश कहाँ मिलेगी? मेरा खुद का कोर्स है भैया, बहुत बढ़िया, इंडिया का नंबर वन ग्रामर कोर्स है। एक बार जाइए, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत बेसिक से पढ़ाया है। तो ज्वाइन कर लीजिए ये कोर्स फटाफट। और ये बेस्ट स्पोकन है, राखी के ऑफर पर ये कोर्स बहुत सस्ता हो गया है। 6 महीने का कोर्स हम लगभग 120 रुपये महीना दे रहे हैं। 120 रुपये महीना इंग्लिश पढ़ना है तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए। ये एक्सपर्ट बैच है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। छोटे बच्चों को मोबाइल से वीडियो गेम खेलने के बजाय इंग्लिश सिखाओ। हजारों बच्चों ने छोटे बच्चों की जो है बैच ज्वाइन किए। किड्स स्पोकन इंग्लिश बैच छोटे बच्चों की स्पेशल बैच है, जरूर ज्वाइन कर लेना। वोकेबलरी नहीं आती, वोकेबलरी की लाइव क्लास, सारी लाइव क्लासेज हैं, रोज शाम को चलती है, और सारी बैचेस 5 बजे बाद है शाम को। पर्सनल क्लास, पर्सनल क्लास मतलब चूज योर टीचर योर सेल्फ, अपना टीचर खुद चुने। आपको क्या टाइम चाहिए, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, अपना टीचर हायर कर लो एक। वो टीचर आपको रोज 1 घंटे पढ़ाएगा और रोज आपको पर्सनल इंग्लिश सिखाएगा, ठीक है दोस्त? चलिए, ये मेरी बुक है। अब ये बुक का प्राइस कम हो गया है, 99 रुपीज में मिल रही है। फटाफट मास्टरडी ऐप पर जाओ और बुक ले लो, ठीक है? बाकी ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आपके बहुत काम में आएगी, आप जरूर इसे ज्वाइन करें। तो ये था इंग्लिश का हमारा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। वांट और वांटेड आप हमेशा के लिए समझ गए होंगे। कैसा लगा सेशन जरूर मुझे बताना। अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग इन दी एंड, दैट इफ यू रियली विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट वॉचिंग वीडियोज आर नॉट इनफ टू लर्न इंग्लिश। आई डू अग्री विद दिस। देर आर टू वेज टू लर्न इंग्लिश। नंबर वन, वी हैव टू क्लियर आवर कंसेप्ट। आफ्टर क्लियरिंग कंसेप्ट, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रैक्टिस। नाउ द क्वेश्चन बिगिन्स दैट हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश। सो इफ यू रियली विश टू प्रैक्टिस इंग्लिश, इन दैट केस देर आर टू वेज। ईदर यू प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मेकिंग व्लॉग्स थ्रू मोबाइल कैमरा, दीज आर द वेज, और इवन दो यू कैन डू राइटिंग। सो दीज आर द वेज टू प्रैक्टिस इंग्लिश। बस इफ यू बट इफ यू वॉन्ट समवन टू प्रैक्टिस विथ यू, देन यू कैन ज्वाइन मास्टरडी। ऑन मास्टरडी यू नो ऑनलाइन क्लासेस, वॉट वी डू, वी टीच इन टू द क्लास द बेसिक कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट वी टेक प्रैक्टिस वन बाय वन। वी टेक प्रैक्टिस, सपोज देर आर 12 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो टीचर विल गो टू वन एंड टू सेकेंड एंड टू थर्ड एंड ही विल आस्क सम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन टू टेक योर प्रैक्टिस। सो दीज आर द बेसिक वेज टू डू प्रैक्टिस। सो देर आर टू वेज, एंड इफ यू डू दिस जस्ट विद इन 60 डेज, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इन अ बेटर वे। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू विच इज वेरी क्लियर, इफ यू रियली विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, then only one chance is there, that practice needs everywhere. Without doing practice, English is impossible. If you keep watching videos for 1 year, for 2 years, it will be really difficult to speak English fluently, because English is all about speaking, and speaking comes through practice. So that is why I request all of you to please वंस यू विजिट मास्टर डी एप। अच्छा, आप में से कई लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तो पता होगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम की लिंक है, उसको क्लिक करोगे तो वो आपको ऐप पे ले जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद वहां पर
आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप पास्ट के नोट्स भी देख सकते हैं पुरानी क्लासेस के, वहाँ पर हमारी क्लासेस की सारी जानकारी आती है, कौन सी क्लास में लाइव चल रहा है, कहाँ वीडियो चल रहा है, कहाँ नोट्स बट रहे हैं, सब कुछ वहाँ मिलता है। और मज़े की बात यह है कि उन नोट्स को, उन वीडियोज़ को आप अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको, जैसे मैंने वांट और वांटेड पढ़ाया, आपको इसके नोट्स चाहिए, कॉपी कंप्लीट नहीं करना है, तो सिंपली यू कैन गो, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कमलेश यादव 2025 मेरी आईडी है, ज़रूर मुझे फॉलो करें। और मास स्टडी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, है ना, ज़रूर फॉलो करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे अराउंड 7 लाख पीपल आर देयर टू स्टडी, वहाँ पर भी हम पढ़ाते, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू क्लियर विथ यू, इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत ज़ीरो से करें तो मच बेटर है। आपको कितनी भी इंग्लिश आती हो, लेकिन क्या होता है ना कि हमारी जो नींव होती है ना वो अनस्टेबल होती है। कई बार क्या होता है कि हमने सिस्टमेटिक पढ़ानी होता है, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, और फिर हम सोचते हैं कि हम बोलने की कोशिश करें तो गलत अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, मतलब मुँह से निकले भी तो गलत निकल जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे कि आप जो है ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 2 महीने का बेसिक कर लो हमारे पास, और 2 महीने का एडवांस कोर्स कर लो, 4 महीने में कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे और अगर पढ़ाना हो तो इंग्लिश पढ़ाना भी सीख जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस तो दोस्त करनी पड़ेगी ना, ऐसे काम नहीं चलता है, तो बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आती है। तो हम लोग, हमारे पास सारी बैचेस अलग अलग है, शाम को छोटे बच्चों की बैच अलग है, कॉलेज वालों की बैच अलग है, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं उनको अधिकतर हम पर्सनल क्लासेस देते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जाने से पहले बढ़िया सी कमेंट छोड़कर जाएं, है ना, क्योंकि आपकी सारी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। जब आप अच्छा लिखते हैं तो मैं उसे लाइक करता हूँ पर्सनली, और सोचता हूँ कि आज जो आप कमेंट लिखेंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, और फिर अपनी कमेंट छोड़ेंगे, मतलब योर नेम एंड योर विलेज या योर स्टेट नेम, योर सिटी नेम, एंड देन आपकी कमेंट छोड़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैं आपकी कमेंट्स को ज़रूर लाइक करूँगा। ये बताइए आप में से कितने लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, फटाफट बताइए कितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। अच्छा, अरुण ने कर लिया है, ओके। बेटा चैट में नहीं बताना है कि आप कहाँ से हैं, अभी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी ना, जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है, अभी चैट बॉक्स ओपन है, जब क्लास एंड करूँगा तो कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है आपको अपना नाम और आपके गांव का नाम और अच्छी कमेंट, बढ़िया पॉजिटिव कमेंट आपको छोड़नी है, विच विल इंस्पायर अदर पीपल टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव टू शेयर दिस वीडियो विथ योर 5 फ्रेंड्स, एंड उन 5 लोगों को आपको लाना भी है इस क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, पढ़ाई करें, अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सीखें, कठिन नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख जाओगे। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, सरकारी स्कूल से पूरा एजुकेशन हुआ है, गाँव से हूँ, पिताजी किसान हैं, जो काम तुमने किए हैं वो मैंने भी किए हैं, बट जस्ट एट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड दैट विदाउट इंग्लिश आई कैन नॉट सर्वाइव इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश एंड टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो बात बहुत सिंपल है, लाखों लोगों ने इंग्लिश बोलने के सपने पूरे किए हैं मास स्टडी के साथ, आपका भी सपना ज़रूर पूरा करूँगा, ये वादा है मेरा। कल मिलते हैं 8:05 पर डे नंबर 7 में। थैंक यू सो मच।